क्या विजन है और वो उनका और वो क्या उनका मिशन है जानते हैं उनसे सुजाता जैन। थैंक यू अर्पित जी। गुड इवनिंग सुजाता जी, आरसीएम। गुड इवनिंग सुरेंद्र जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, जेआरसीएम, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुरेंद्र जी, आपसे कई बार बातें हुई है एंड आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम यू। आप जब भी आपसे बात करती हूँ कुछ नया सीखने को मिलता है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज बहुत होप के साथ मैं यहाँ आई हूँ। बहुत खुशी भी है कि आपसे मिलने का मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी से। एंड बहुत होप है, बहुत उम्मीद है कि आज जो हम ये वंडर वर्ल्ड रेनोवेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एक माइलस्टोन सक्सेस आप सबके साथ के साथ डेफिनेटली एक माइलस्टोन सक्सेस बनेगा। सो जैसा कि अर्पित जी ने बताया कि हमने बहुत सारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है, लेकिन आप इतने अच्छे से आप वो प्रोडक्ट्स को, हम सारी प्रोडक्ट्स हमने डेवलप कर ली, आप सभी प्रोस्पेक्ट को बड़े अच्छे से कन्विंस करके आप पीयूसी पे ले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं जो थोड़ी अनफेवरेबल रहती हैं, जिसके वजह से आपकी मेहनत पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट असर पड़ता है एंड फिर वो वापस से प्रोसेस एक नया शुरू करना पड़ता है। तो हमने ये चीजों पे हमने काफी गौर किया है कुछ महीनों से, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक पूरा आकार दिया जाए, क्यों ना हम एक रेनोवेशन प्रोग्राम हम एक शुरू करें जिसमें आप सबकी मदद से, आप सबके एक्टिव योगदान से हम इसको एक पूरा पूर्ण आकार दे पाए। ये प्रोग्राम सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग पीयूसीज हैं उनको हम वंडर वर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट करेंगे। हम जब कन्वर्जन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो फर्नीचर है वो ऑफकोर्स कंपनी द्वारा दी गई होगी, उपलब्ध वो कंपनी द्वारा ही आपको लेना पड़ेगा। उससे ये फायदे होंगे कि एक समानता आ जाएगी, हर एक आप बोल सकते हैं वंडर वर्ल्ड में हर एक समानता आ जाएगी। जो भी वंडर वर्ल्ड में जा रहे हैं वो जाते ही उन्हें पता रहेगा कि हाँ मैं आरसीएम के स्टोर में हूँ, तो वो एक फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। आज वो फीलिंग कहीं पे मिसिंग है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एक समानता, और आज के दौर से जहाँ हर चीज बहुत डिजिटल है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा हर चीज बहुत सिंक्रनाइज्ड वे से और बहुत सिस्टमैटिक वे से चाहती है, तो उसके लिए भी एक ये बदलाव आना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो ब्रांडिंग रहेगी वो तो कंपनी के द्वारा जाती है और वो भी जाएगी, लेकिन इस बार फ्रंट फसाड की जो मेजरमेंट होगी उस हिसाब से ब्रांडिंग जाएगी। सो फॉर एग्जांपल आपकी फ्रंट फसाड अगर 12 फीट की है तो आपको 10 फीट की ब्रांडिंग दी जाएगी, क्योंकि ब्रांडिंग एक मार्केटिंग टूल है। वो दूर से ही मतलब वो कहता है कि हाँ मुझे देखो, मैं यहाँ हूं, मैं, आप मुझे मिस नहीं कर सकते, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि वो खुद अपना काम करे। हम सभी को अपना अपना कार्य करना चाहिए, ब्रांडिंग को भी करने देना चाहिए, कुछ उस पर भी छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये चीजें रहेंगी। जितने भी हम जब फर्नीचर की बात करते हैं, जब हम उसको कंपनी द्वारा दी गई फर्नीचर है उसमें ये रहेगा, उसमें ये पॉजिटिव चीज ये रहेगी कि वो फर्नीचर जिस तरह से डिजाइन किया गया है उससे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से दिखते हैं, वो छुप नहीं पाते। तो उस ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले के लिए। और जिस तरह से हम क्लीनिनेस रखेंगे और स्टाफ जो हमारे हैं वो अच्छा व्यवहार जब करेंगे, तो डेफिनेटली इसको हम कहते हैं, ये जो चारों चीज का मिश्रण हो गया इसको हम कहते हैं वंडर वर्ल्ड क्विक। तो इस बदलाव की आज बहुत जरूरत है। और आज यहां मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, ज्यादा समय नहीं लूंगी, 10 मिनट की एक प्रेजेंटेशन है जो ऑफकोर्स हमारे वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक टीम्स के लिए है। ये प्रेजेंटेशन आप सबके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको भी, तो चलिए चलते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर। आई जस्ट शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू। हमने ये प्रोग्राम के इसमें एक, जैसा आपको मधु जी ने बताया कि हमारी प्रीमियर लीग भी चल रही है जो डेपो की भी है और हमारे वंडर वर्ल्ड की, वंडर वर्ल्ड क्विक की भी है, तो ये आपकी सेल में और जोश भरेगा। तो ये पहली बार है कि ऐसा एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, कॉम्पिटिशन एक रन कर रही है आरसीएम। बहुत जरूरी है कि आप सभी की टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करें, एक बहुत मोटिवेशन फैक्टर रहेगा और इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। कोई भी कॉम्पिटिशन का
थंब रूल यही होता है कि सेल्स बढ़े, तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करवाएं अपनी सभी टीम्स को। हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं वंडर वर्ल्ड रेनोवेशन प्रोग्राम के बारे में, जो कि विशेष अभियान है दिसंबर और जनवरी का, तो इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ बातों पे ध्यान देते हैं, गौर करते हैं। आप जब भी हम कोई चीज करते हैं तो मेन चीज हमारा यही रहता है, आपका आपकी जो टीम है वो यही बोलेगी ये करने से हमारा क्या फायदा है, कैसे हमारी इनकम बढ़ सकती है। तो कुछ टिप्स हैं जिससे इनकम डेफिनेटली बढ़ सकती है कि अगर आप डायरेक्ट सेलर्स की बिक्री में बढ़ोतरी करके, स्वयं की आईडी पे ज्यादा से ज्यादा रिटेल करके, अपने नेटवर्क्स और डाउनलाइन में सेल्स बढ़ाकर और थोक संस्थागत बिक्री बढ़ाकर, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल या बल्क बाइंग कहते हैं। जब हमने ये इसके बारे में बात की तो ये कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आप अपने एग्जिस्टिंग पीयूसी को वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये तभी मुमकिन है क्योंकि तभी आपके यहाँ पे आपकी साफ सफाई को देख के, आपके अच्छी सर्विसेज को देख के, आपके सारे प्रोडक्ट्स को देख के ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे और डेफिनेटली वो एक डायरेक्ट रेशियो है सेल्स बढ़ने की। जब हम बात करते हैं कन्वर्जन की तो हमें ये लगता है कि क्या इस कन्वर्जन से क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा इन्वेस्टिंग, इस इन्वेस्टमेंट की जरूर जरूरत है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या फायदे होंगे, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, नए लोग को आप आकर्षित कर पाएंगे और एक बेहतरीन आउटलेट मिल पाएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फायदेमंद है या ये इन्वेस्टमेंट हमें कितना फायदा देगी। तो आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए, ये कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, ये हमने काफी कई पीयूसी पे ट्राई किया है जिनको हमने पीयूसी से वंडर वर्ल्ड क्विक पे कन्वर्ट किया, और वो देखने के बाद ही मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ एक ऐसे वंडर वर्ल्ड क्विक का, जहां पे इनिशियली जब वो पीयूसी था तो उसकी सेल करीब महीने की 2-2.5 लाख रुपए आती थी, यानी सालाना 25 लाख रुपए आती थी। जैसे ही उसे हमने कन्वर्ट किया वंडर वर्ल्ड क्विक में, और जो मैंने आपको बताई चीजें कि कैसे कन्वर्ट करना है, क्या किन चार चीजों की जरूरत है, उनको कन्वर्ट किया तो हमने देखा कि उनकी जो मंथली सेल्स है वो करीब हो गई 8-10 लाख रुपए, और वो आगे और बढ़ने लग गई कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में और बढ़ती भी नजर आई। एंड ईयरली सेल्स जब हमने देखी तो उनकी सेल्स हमें करीब 1 करोड़ रुपए नजर आई। तो इनिशियली जो उनको 2 लाख का डिस्काउंट मिलता था वो इंक्रीज होके 8 लाख का डिस्काउंट हो गया, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या किया, इन्होंने थोड़े प्रोडक्ट्स में और फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट किया, जो इनका एग्जिस्टिंग पीयूसी में इनको अनदर 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट लगा। तो उससे ये हुआ कि उनका जो पहले 2 लाख आ रहा था, अब 8 लाख आ रहा है। 8 लाख में से अगर आप 2 लाख सेफ गार्ड कर दें जो इन्हें पहले मिल रहा था, तो 5 लाख बचते हैं, और 5 लाख 6 लाख बचते हैं। 6 लाख में से अगर और 3 लाख हम माइनस कर दें तो 3 लाख और एक्स्ट्रा हमें इसमें बचत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कई जगह ट्राई किया और इसको कन्वर्ट करने से फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत जरूरी है राइट एटीट्यूड होने का और हमेशा मोटिवेटेड रहने का और बार बार ट्राई करते रहने का, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को तो हमें कोई भी कार्य हम करें उसमें ये 3 क्वालिटीज तो बहुत जरूरी है। हमने जो कन्वर्जन की बात की तो हम ये आपको ये कुछ टिप्स बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलर्स की सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। आप प्रेरणादायक रवैया रखें, उत्पादों का उचित ज्ञान रखें, जितने भी आपके वंडर वर्ल्ड में जो भी आ रहे हैं उन सबको अच्छी तरह से व्यवहार करें, उनको अच्छी उचित सेवाएं दें, और उससे ये होगा कि वो बार बार आपके वंडर वर्ल्ड में आना चाहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलवाएं और डायमंड क्लब व स्टार डायमंड क्लब को बढ़ावा दें, ये बहुत फायदे वाली चीज है आपके लिए, जरूरी है, इस पे जरूर ध्यान दें। सभी ग्रुप के डायरेक्ट सेलर्स को समान रूप से सेवाएं दें, आप सभी स्टॉक्स प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स को पर्याप्त मात्रा में रखें, और साफ सफाई व सजावट का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी अच्छी जगह होती है तो वहां जाने का बहुत मन करता है और बार बार जाने का मन करता है, अगर उसके साथ सेवाएं भी अच्छी मिल जाए तो। आइए बात करते हैं कि हमें क्या रखरखाव संबंधित क्या दिशा निर्देश होना चाहिए। बाहरी साफ सफाई जो हम कितनी बार इग्नोर कर जाते हैं, तो बाहरी जो दीवारें, शटर, आंगन, डोरमैट है, इन सभी को अच्छी तरीके से साफ रखें। ऐसा कहते हैं हमारे भारत में कि जहां साफ सफाई रहती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। तो लक्ष्मी कौन है? हमारे डायरेक्ट सेलर्स, हमारे सभी आगंतुक जो हमारे वंडर वर्ल्ड क्विक में आते हैं। और आंतरिक साफ सफाई में आप खोलने के साथ ही सभी प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित तरीके से सजा कर रखें और कपड़ों को अच्छी तरह से पैक करके रखें, ताकि वो खराब ना हो।
स्टॉक संबंधित दिशा निर्देश कुछ हैं, किस तरह से हमें रखने चाहिए अपने स्टॉक्स? सो सभी स्टॉक्स पर्याप्त मात्रा में रखें, और जो वैरायटीज है आप सभी वैरायटी को जरूर वहां अपने वंडर वर्ल्ड में रखें, क्योंकि वैरायटी के लिए ही एक कोई भी आपके वंडर वर्ल्ड में दोबारा आना चाहेगा, और एक बार वैरायटी मिल जाती है तो फिर वो कहीं नहीं जाना चाहता है। फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का अधिक स्टॉक रखें, और अपने क्षेत्र में प्रचलित पहनावा और साइज को ध्यान में रखकर कपड़े रखें। डेपो से आए हुए स्टॉक का बिल के साथ मिलन करें। आप प्रतिदिन अपने स्टॉक का मिलन कंप्यूटर के दर्शाए गए स्टॉक से करें। इससे ये फायदे हो सकते हैं कि आपको फास्ट सेलर्स, स्लो मूवर्स, क्या आपके पास है, क्या नहीं है, क्या एक्सपायर होने वाला है, ये सब चीज की आपको जानकारी हमेशा रहेगी। और मौसम एवं त्योहारों के अनुसार स्टॉक की अग्रिम प्लानिंग करें बहुत जरूरी है। इसी टाइम होता है जब हम एक जंप देखते हैं अपने सेल्स में, तो इस टाइम हमारे स्टॉक्स पर्याप्त मात्रा में रहने चाहिए। प्रोडक्ट पर हमने स्टॉक्स रख लिया, सजावट कर ली, अच्छे से क्लीनलीनेस कर लिया, लेकिन अगर हमने उसको ठीक तरीके से जमाया नहीं, उसको हमें डिस्प्ले नहीं किया, तो वो बिकेंगे नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो समझते हैं कि कुछ क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इन डिस्प्ले के लिए, प्रोडक्ट प्रदर्शन संबंधित दिशा निर्देश। प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से सजा कर रखें, उनको फैमिली और कैटेगरी वाइज रखें, मेंस और वुमेन गार्मेंट को अलग अलग रखें। ट्रायल रूम में लाइट हुक होना एवं कांच होना चाहिए। रैक्स को साफ एवं भरा हुआ रखें। भारी उत्पाद रैक्स के नीचे रखें और हल्के वजन वाले उत्पाद ऊपर रखें, इससे रैक्स का बैलेंस बना रहता है और दूसरे ये दिखने में भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो भी नए लॉन्चेस हुए हैं वो अपने कैश काउंटर्स के पास रखें, ताकि उनके बारे में उनके बारे में आप सभी को बता सकें। समय समय पर प्रोडक्ट्स की जगह बदलते रहें, ये बहुत जरूरी है, ये हम मिस कर जाते हैं, इससे एक न्यूनतमता आती है और कई प्रोडक्ट्स जो शायद हमारे बहुत अच्छे बिक नहीं रहे हैं वो फास्ट मूवर्स बन जाते हैं। तो ये जरूरी है, और जब भी कोई आप समय समय पर आप जब चेंज करेंगे, तो जब भी आपके कोई वंडर वर्ल्ड में आएगा तो उन्हें लगेगा कि आज कुछ नया है, और हम सब हमेशा नए के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। नए आए हुए प्रोडक्ट्स को पीछे रखें एवं पहले प्रोडक्ट्स को आगे रखें, यानी फीफो सिस्टम का इस्तेमाल करें, और अच्छी तरह से प्रदर्शित उत्पाद आगंतुक को आकर्षक लगते हैं, जबकि अव्यवस्थित तरीके से रखे हुए प्रोडक्ट्स की कीमत कम हो जाती है। तो बहुत जरूरी है प्रोडक्ट्स में धूल मिट्टी ना हो, आपके रैक साफ हो और बिल्कुल क्लीनलीनेस का माहौल हो, और सही तरीके से डिस्प्ले भी हो फैमिली वाइज, कैटेगरी वाइज। जैसा मैंने पहले कहा, ब्रांडिंग बहुत बहुत बातें करती है, तो आइए समझते हैं किस तरह से हमारी हेल्प करती है। तो ग्लो साइन बोर्ड कंपनी का ही लगाएं। ग्लो साइन बोर्ड में सभी लाइटें चालू रहनी चाहिए, ग्लो साइन बोर्ड दूर से ही दिखाई देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, फसाद के अनुसार ही बोर्ड लगाएं। खाली दीवारों पर विभिन्न प्रोडक्ट्स के फ्लैक्स लगाएं, और आंतरिक ब्रांडिंग में कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई गई ब्रांडिंग ही लगाएं। अपनी तरफ से कोई ग्लो साइन बोर्ड या पोस्टर नहीं लगाएं। बहुत जरूरी है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ वो सही जगह पर है। वो सही जगह तभी आएगी जब एक समानता आएगी हमारे लुक एंड फील में। और दीवारों पर पोस्टर्स ना चिपकाएं, अन्यथा उन्हें हटाने पर दीवार से पेंट निकल सकता है। ये छोटी छोटी टिप्स है जिनके बारे में प्लीज जरूर आप अपने टीम्स को बताएं और उनका ध्यान रखें। मूल्य और नैतिकता, कुछ मूल्य और नैतिकता सभी जगह होती है, और यहाँ पे भी कुछ हैं जो मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चीजें मैंने यहाँ स्पष्ट लिखे हैं। वंडर वर्ल्ड क्विक में अपनी आप आरसीएम प्रोडक्ट्स के अलावा अन्य कोई प्रोडक्ट्स नहीं रखें। डायरेक्ट सेलर को आरसीएम द्वारा दिए गए ऑफर्स के अलावा आप स्वयं के किसी तरह से ऑफर किसी तरह के ऑफर नहीं दें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आरसीएम समय समय पर बहुत ऑफर्स निकालता रहता है, और हमें अपनी तरफ से ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, तो उसकी वो मजबूती और वो नींव और वो एकता जरूर बनी रहनी चाहिए। हम सबको एक दूसरे के साथ हाथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है, मिलाकर आगे बढ़ना है। किसी भी स्थिति में अन्य समूह के डायरेक्ट सेलर को अपने समूह में शामिल नहीं करें। हमेशा आरसीएम के बारे में सकारात्मक प्रचार करें। सभी को समान सेवाएं प्रदान करें। पहले स्वयं उपभोक्ता बने, क्यों? बहुत जरूरी है। जब हम कोई चीज खुद करते हैं तो उनमें हमारा एक अलग लेवल आ जाता है, कॉन्फिडेंस झलकता है जब हम बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे खुद एक्सपीरियंस के साथ होता है। तो जरूरी है कि आप सभी प्रोडक्ट्स आरसीएम आप जरूर उसको अपनाएं, उन्हें देखें, और फिर जब आप उस पे उसकी बात करेंगे, जब आप उसके बारे में कहेंगे, तो उसकी बात ही अलग होगी। स्वयं की जानकारियों से अवगत, स्वयं को जानकारियों से अवगत रखें। आरसीएम कैसे रखेंगे आप इनको?
आप RCM वेबसाइट को चेक करें, सभी जितने भी प्रोडक्ट्स की जो के बारे में जो ज्ञान है वो वहां पे रहे, सभी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नई प्रोडक्ट्स क्या आए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में कितने प्रचलित ऑफर हैं उनका जरूर आपको पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल में भी हम बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम देते हैं, तो वहां पर उसको जरूर देखें। कभी कभी हम थोड़े से व्यस्त होते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं, बिलिंग होती है, लेकिन उसके बाद आप दोबारा जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सब आपके लिए हम कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिले, इसके इसके लिए ये सारी चीजें की जा रही है। और अपने ईमेल्स को जरूर चेक करें, ईमेल्स हम कई बार छोटी इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको SMS, WhatsApp और पोस्ट के थ्रू हम आपको भेजते हैं, लेकिन कुछ बड़ी चीजें होती हैं जिनको हम ईमेल्स के थ्रू भेजते हैं, तो उनका जरूर आपको आपको देखना अनिवार्य है, और आपको इसके लिए डेफिनेटली इंटरनेट का प्रयोग करना आना चाहिए। ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ये सब किसके लिए है, ये सब आप, ये सब आपके बारे में है। क्यों? क्योंकि आप बदलाव का हिस्सा नहीं है, आप ही बदलाव हैं। और ये बदलाव आप कैसे ला सकते हैं? सिर्फ चार चीजें, इनफैक्ट मैं कहूंगी पांच चीजें करके। पहली, यदि आप वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड में या वंडरवर्ल्ड क्विक में साफ सफाई रखते हैं, यदि रैक पर्याप्त प्रोडक्ट से भरा हुआ है, यदि आगंतुक आपकी सेवाओं से संतुष्ट रहते हैं, यदि आप RCM के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, और आप ये सब तब कैसे कर सकते हैं और बेहतर, यदि आप अपने एग्जिस्टिंग POC को वंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं। आपकी प्रगति निर्भर करती है आपकी निरंतरता एवं आपकी सकारात्मक सोच पर, तो बहुत जरूरी है दैट वी नीड टू बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, मोटिवेटेड रहिए और डिटरमिंड रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। सोच लिया है कि हमें ये करना है तो हमें वो करके दिखाना ही है, तो इसका अब जरूर मैं कहूंगी कि बहुत बहुत डिपेंड करता है हमारी पॉजिटिविटी पे। तो इसके साथ ही ये छोटी सी जो प्रेजेंटेशन थी मैं यहीं पे इसको, ये बस इतना ही मुझे कहना था, ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो आई होप कि आप सबके लिए आपको बहुत आपके काम आएगी। आप जब अपनी टीम को समझाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उनको डेफिनेटली चीजें बता पाएंगे। आई नो आप बहुत चीजें जानते हैं, आप सभी मुझसे कई ज्यादा बड़े हैं एक्सपीरियंस में, लेकिन हम कभी कभी कुछ चीजें जब लिखित में देखते हैं तो हम एक बार वो एक रिविजन हो जाता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है आप सबको इस प्रेजेंटेशन को दिखाने का। मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगी कि ये जो हमने एक मुहिम छेड़ी है, ये जो हमने एक बेड़ा उठाया है कि नहीं हमें करके दिखाना है, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आप सभी का साथ मिलेगा। ये दिसंबर और जनवरी का हमारा ये मिशन है कि इसे हमें अकॉम्प्लिश करना है, लेकिन ये सिर्फ जनवरी में ही नहीं रुकेगा, जनवरी तक हमें इसकी नींव बिल्कुल स्ट्रांग कर देनी है, और इसके बाद ये पौधा बनेगा और फिर हमें आगे जाके बहुत फल देगा। तो जब भी सर ने, हमने ये हमेशा देखा है, और सर बच जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ने जब भी कोई विजन देखा है और हम सब ने मिलके उसको अपने ऊपर उठाया है कि नहीं ये सर का विजन है, हमें एक मिशन बना के इसको आगे लेके ही जाना है, वो हमेशा हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है। तो मैं इस बार भी आप सभी का साथ चाहूंगी, सिर्फ ओल्ड POC को वंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट करने में ही नहीं, बल्कि न्यू वंडरवर्ल्ड, अच्छी लोकेशंस में न्यू वंडरवर्ल्ड और वंडरवर्ल्ड क्विक को खोलने में भी, ताकि RCM इस तरह से फैले और इस सकारात्मक रूप में फैले कि जो भी सुने RCM तो कहे कि मैं जुड़ना चाहता हूं, आई विश आई कैन बी देयर, लेट मी नो हाउ आई कैन बी देयर। तो इसी के साथ मैं आप सभी का साथ चाहती हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। जय RCM।